दरवाजे पर आपके लिए कोई ये चिट्ठी छोड़ गया है। बात क्या है चाचा? बताइए ना चाचा, क्या बात है? कुछ तो बताइए, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो, एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बताइए तो सही, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं बेटा, मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आप मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम थक गए होगे, तुम आराम करो। हमें तुम्हें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारी इस बीमारी का हमें कोई इलाज नहीं मिला। ये लाइलाज बीमारी है और तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। हमें माफ कर दो, अकेले रुक सा। चाचा मरने वाले हैं। नहीं, मैं चाचा को कुछ नहीं होने दूंगा। अम्मी और अब्बू को तो मैं पहले ही खो चुका हूं, अब मैं चाचा को नहीं खोना चाहता। मैं उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, पर उनकी जान बचाकर ही रहूंगा।
क्या हुआ? क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम रो रहे हो? मैं क्यों रोने लगा? क्या बात है जीनू? बोलो ना जीनू, जीनू बताओ ना। अब मैं अलादीन को जादूगर जाफर के जाल में फंस तो नहीं देख सकता। ले लूंगा, मैं ले लूंगा अपने ही चिराग में 1000 साल और। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर चिन जो अपने जादुई चिराग में बैठे बैठे दूर से बस तमाशा ही देख सकता है, लेकिन अपने होने वाले मसीह की कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, नहीं नहीं, मुझे फिर से बूढ़ा फकीर नहीं बनना। देखो, मैं ऐसे वहाँ नहीं जाऊंगी। जीनू, ये ठीक बात नहीं है। जीनू, मुझे मेरा शरीर वापस करो अभी। अब जाओ और अलादीन को उसके चाचा के बारे में सब कुछ बता दो, और उसे किसी भी हालत में जादुई तालीम हासिल करने से रोकना ही होगा। पर जीनू, मैं अब जाओ। फरीदा तो रानी बन गई। खाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है बाजार से ढेर सारा सामान लेके आई हैं आप। काफी खर्चा हो गया होगा, है ना? इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? कुछ बेच के आ रही हैं क्या आप? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। वरना क्या? अलादीन की तरह मुझे भी बेचाएंगे आप? तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है खाला, अलादीन का कोई चाचा नहीं है। आपने उसे शैतानी जादूगर के पास बेचा है। मैंने अकेले ही अलादीन को नहीं बेचा, तुम भी साथ थे मेरे। तुम ही अलादीन को अपने चाचा के पास जाने के लिए राजी किया था। ये लो और तबाह हो जाओ यहाँ से। आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अलादीन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अलादीन कहाँ है? दूर हटो मुझसे। मैंने पूछा खाला, अलादीन कहाँ है? हमने अलादीन को गुलामाबाद के जंगल में छोड़ दिया था। वहाँ उसके चाचा मुर्शिद आकर उसे कहीं ले गए। कहाँ? शायद जंगल की तरफ। गुलामाबाद के शैतानी जंगल की तरफ। अलादीन, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा चाचा। ये लीजिए, गिर गई थी। तो क्या तुमने हकीम का खत पढ़ ही लिया? हाँ, और मैंने तय भी कर लिया है, मैं आपकी लाइलाज बीमारी किसी भी तरह ठीक करूंगा। मेरी बीमारी का इलाज नामुमकिन है बेटा। आज नहीं तो कल सभी को मरना है। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा। नहीं चाचा जान, मेरे होते हुए आपका कुछ नहीं होगा। आपको बचाने का कोई तो रास्ता होगा। जो रास्ता है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यानी कि एक रास्ता है
कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठंड बहुत हो गई है बेटा, हमें चलना चाहिए। आज इतने सालों बाद मुझे कोई अपना मिला है। आपकी बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा। मैं बच्चे नहीं, अलादीन माँ को कहो तुम। अगर एक बार अलादीन ने हाँ कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बीमारी का इलाज बुर्जमान के जादुई चिराग का जिन ही कर सकता है। बुर्जमान के जादुई चिराग का जिन? हाँ बेटा, सिर्फ वही जिन। अरे झूठ बोल रहा है ये अलादीन, इसकी बातों पर यकीन मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए कि उस चिराग तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नहीं अलादीन, माँ को कहो तुम। बताइए ना चाचा, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? माँ को बेटा, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें जादुई मदरसे में जादुई तालीम हासिल करनी होगी। उसके बाद फिर तुम। आपसे कोई मिलने आई है? मुझसे? जी नहीं, अलादीन से। शाबाश माँ को, अब बस किसी भी तरह अलादीन को वहां से बाहर निकालो। पर कैसे? यहाँ पर तो दुगना पहरा है, और अगर सुल्तान को पता चल गया तो हम सब। पर तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हुआ चुनैद? अलादीन की खाला ने उसे इस तरह शैतानी जादूगर को बेच दिया कुछ अशर्फियों के लिए? कोई अपनों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? चुनैद, इससे पहले कि और देर हो जाए, हमें अलादीन को बचाना होगा। पर शहजादी जैस्मिन, आप यहां से बाहर कैसे निकलेंगी? पता नहीं नूरी, लेकिन मैं आपको बाहर निकालूंगा। जुनैद, यहाँ पे बहुत कड़ा पहरा है। आप उसकी परवाह मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, बस आप तैयार रहिएगा। जुनैद, अगर अलादीन को कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं उसे गलत समझती और ना ही उसे यहां से भागने की जरूरत पड़ती। नहीं नहीं शहजादी जैस्मिन, हम उसे ढूंढकर जरूर वापस ले आएंगे। आप जुनैद पर भरोसा रखिए, वो खुद अलादीन के बगैर नहीं जी सकता। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं माँ को वो मेरी माँ को पुकार है। अलादीन से अकेले में बात करो। सच सच बताओ, कहाँ से आई हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अलादीन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम ऐसा जानते हो बेटा? नहीं चाचा, मैं इसकी अम्मी की दूर की रिश्तेदार हूँ। अम्मी की? अब तुम्हें जो भी कहना है तुम मेरे सामने कहोगी। मैं वो
अलादीन। जल्दी बोलो। बोलो माकू बोलो। ये तुम्हारे चाचा से नहीं है अलादीन, ये शैतान जादूगर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये क्या बकवास कर रही है लड़की? मैं तो मजाक कर रही थी। माकू 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 मजाक कर रही थी। मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रहने दीजिए चाचा, जाने दीजिए उसे, आप चली जाइए यहां से जल्दी। चाचा चाचा जान। मैंने कहा था ना फूल आंखों में एक होगा। आप तो मतलब है कि यही तो है वो मेरा शहजादा। तुमने शाही मेहमान के कमरे में जाकर पहले उनके कपड़े चुराए और उनकी खानदानी अंगूठी चोरी की। मैंने कहा ना तुमसे मुझे हाथ मत लगाओ। चोरों की टोली में काम करने वाला एक चोर अब मेरा मसीहा बनना चाहता है। नहीं मैं नहीं भागूंगा। इतना सब होने के बाद तुम कह रहे मैं नहीं भागूंगा? हाँ क्योंकि इस वक्त अगर मैं यहां से भाग गया तो लोग मुझे चोर ही समझेंगे और अलादीन चोर नहीं है जुने। और अलादीन चोर नहीं है। अलादीन चोर नहीं है जुने। आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए जादुई मदरसे जाऊंगा और फिर आपके लिए बुर्जुमान का जादुई चिराग भी लेकर आऊंगा। सच बेटा? जी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर कूद जाओ इस कुएं में। क्या? मैंने कहा कूद जाओ इस कुएं में। सोच क्या रहे हो? कूद जाओ। अभी तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें अपने चाचा पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा कूद जाओ।